तो वहीं यूपी में सीएए को लेकर हुई हिंसा पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि पार्टी हिंसा का समर्थन नहीं करती है, लेकिन जन आक्रोश के साथ है। हमारे कार्यकर्ता तोड़फोड़ में यकीन नहीं करते हैं। मायावती ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर पूरी तरह से असंवैधानिक है, लेकिन हम जन आक्रोश के साथ हैं, लेकिन हम तोड़फोड़ पर विश्वास नहीं करते। तो इस दौरान अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से यही अपील करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती नजर आए। उन्होंने कहा साफ तौर पर कि लोग सड़कों पर उतरकर इस तरह से हिंसा फैलाएं ना। और क्या कुछ कहा गया बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से, वो आपको सुनवा दें। धरना प्रदर्शन के जरिए कभी भी किसी हिंसा व तोड़फोड़ एवं आगजनी आदि को बढ़ावा नहीं देती है, जो कि ये जग जाहिर भी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में लाए गए या पास किए गए नए नागरिकता कानून को एवं एनआरसी को भी जबरदस्ती थोपे जाने को लेकर पूरे देश में जो जगह जगह व्याप्त जन आक्रोश व्याप्त है, इसके पूरे तौर से साथ में है, ये भी मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ।